नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरोली 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए मैंने आपके लिए आया है मैथ्स के 10 शानदार क्वेश्चन। ठीक है, आपको दसों के दसों सवाल समझ में आएंगे। चाहे आपने कभी पहले कभी मैथ्स भी नहीं पढ़ी हो तो आपको 10 के 10 सवाल बनेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं दोस्तों। और सबसे पहले मैं उन स्टूडेंटों को धन्यवाद देना चाहूंगा, चार पांच स्टूडेंट है जो मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनको लगता है देखना है तो देखें, जिनको नहीं लगता है तो ना देखें। ठीक है, और जिनको बहुत बुरा लगता है वो चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि अपने पास 38,000 सब्सक्राइबर है, अपने पास 38,000 भी रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास 3,800 काम के, लेकिन 38,000 काम के नहीं है। ठीक, चलिए सवाल नंबर एक देखते हैं। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से दलिता 320 रुपए में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकती है, गेहूं का प्रारंभिक मूल्य क्या है? देखिए, सबसे पहले बेसिक समझिए। यहाँ दलिता है, क्या होता है, दलिता है उसकी मम्मी उसको बोलती है कि जो बेटा गेहूं खरीद लीजिए दुकान से। ठीक है, दलिता जाती है दुकान, दलिता दुकान जाने के बाद पता चलता है कि गेहूं पहले 20 रुपए आती थी तो अब थोड़ी कम हो गई, उसके रेट कम हो गए, तो 5 किलो गेहूं अधिक मिल जाती है। ठीक है, तो उसका प्रारंभिक मूल्य कितना था ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए, अगर मेरे पास 40 रुपए हैं, ठीक है, और 1 किलो गेहूं का कीमत कितना है 5 रुपए है, तो मुझे कितने किलो गेहूं मिलेगी? 5 से काट दूंगा 40 को, आप बोलोगे सर 8 किलो मिल जाएगी। कुल मिला के ये कि टोटल राशि में अगर मैं उसके मूल्य का भाग देता हूँ तो मुझे मात्रा मिल जाती है। सेम यहाँ, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य बोल रहा है क्या है, मैं प्रारंभिक मूल्य मान के चलता हूँ गेहूं का क्या है, एक्स है। ठीक है, टोटल आपका कितने हैं 320 रुपए में ही गेहूं खरीदना है, 320 बटे x, मतलब जब प्रारंभिक मूल्य x था तो टोटल गेहूं कितने किलो मिलेगी, 320 बटे x, टोटल राशि में x का भाग दे दिया। ठीक है, अब जब 20% कम हो गया मूल्य, मूल्य पहले था x, 20% कम होगा कितना बचेगा, 80% बच जाएगा, 80 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, काटूंगा 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4x बटे 5 हो जाएगा। मतलब बाद में जब मूल्य कम हुआ तो 1 किलो गेहूं का मूल्य कितना हो गया, 4x बटे 5, लेकिन गेहूं कितनी आएगी, 320 बटे 4x बटे 5। ठीक है, ये हो गया, इसको थोड़ा इजी कर लेंगे, 5 से काटेंगे। ठीक है, 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ 5 है, ठीक है, यहाँ 5 है, तो ये 4 से कटेगा, 4 8 32। ठीक है, ये 5 को 8 होगा, 75 40, मतलब 400 बटे x हो गया। ठीक है, जब मूल्य कम हुआ गेहूं आ रही है 400 बटे x, और जो प्रारंभिक मूल्य x था तो गेहूं आ रही थी कितनी, 320 बटे x। ठीक है, अब कहना है 5 किलोग्राम गेहूं अधिक आ रही है, जब मूल्य कम हुआ तो गेहूं अधिक आ रही है, तो 400 बटे x में से क्या करूंगा भाई साहब, ये 320 बटे x को हटा दूंगा। ठीक है, बराबर कितना आ रहा है, 5 किलो गेहूं अधिक आ रही है। ठीक है, तो अभी जी x x दोनों इक्वल है, जब अपने नीचे साइड में जब हर समान हो जाते हैं तो एलसीएम जो हो जाता है वही संख्या हो जाती है, तो 400 में 320 का कितना हो जाएगा, 80 बटे x, और अब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बांटूंगा 5 एकम 5 16 बट पड़ जाएगा, 16 5 80, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई, मतलब 16 रुपए क्या था उसका प्रारंभिक मूल्य था। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों, बट्टा या छूट वाला ये सवाल है, सवाल लिखते हैं। एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 135 रुपया है, बट्टे की दर क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं, बनता है तो कर लो। ठीक है, देखिए, छतरी का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस बोल रहा है। ठीक है, मार्क प्राइस कितना है, 100, मार्क प्राइस है 162 रुपये, कितना है मार्क प्राइस, 162 रुपये है। ठीक है, कितना है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस, ठीक है, एमआरपी, मतलब मार्क प्राइस है इसका 162 रुपये। ठीक, और विक्रय मूल्य कितना है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 135 है। ठीक है, तो बट्टे की दर पूछ रहा है, आप मुझे बताइए इन दोनों में कितना अंतर है, मतलब खरीद इतने में रहा था वो, इसमें चपा इतना ही है, ठीक है, और बेच 135 में रहा है, तो कितने में बेच रहा है, 162 में से 35 घटाऊंगा तो 12 में से 5 गए 7, ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा 5 में से 3 गए 2, मतलब 27, 27 रुपये कम में बेच रहा है, तो पूछ रहा है बट्टे की दर क्या है, तो आपको पता है 27 रुपये कम में बेच रहा है। ठीक है, कितने रुपए में बेच रहा है, 27 रुपये कम में बेच रहा है। याद रखना, जब भी दर निकालते हैं बट्टे की या छूट की, तो हमेशा मार्क प्राइस या अपना जो क्रय मूल्य होता है, ठीक है, उस पर निकालते हैं। ठीक है, 27 बटे 162, ठीक है, × 100 कर दूंगा, बट्टे की दर निकल जाएगी, काटूंगा 3 से काट दो, 3 9 27, 3 5 15, 3 4 12, ठीक है, अब 9 1 9, 9 6 54, 100 बटे 6 हो गया, मतलब ये हो जाएगा 50 बार, ये घट जाएगा 3 बार, मतलब 50 बटे कितना हो गया, 3। अब इसको काटेंगे कैसे काटेंगे, 3 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 16 बार, 16 सही 2 बटे 3, ठीक है, 16 सही 2 बटे 3% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बट्टे की दर क्या है, 16 सही 2 बटे 3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, एवरेज औसत का सवाल है। एक परीक्षा में 100 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 40 है, बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिए गए थे, सही औसत क्या है?
देखिए सवाल कह रहा है 100 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 40 है, कितना है 100 छात्रों का एवरेज कितना है 40 है। गलती से क्या हुआ, 53 के स्थान पर आपने 83 पढ़ लिए, 53 के स्थान पर कितना पढ़ लिए भाई साहब आपने 83 पढ़ लिए, मतलब एक्चुअल नंबर 53 थे लेकिन लिख के दिए 83, मतलब कितने का डिफरेंस आ गया, 3 में से 3 गए 0, 8 में से 5 गए 3, 30 का डिफरेंस आ गया, मतलब 30 नंबर आपने वही बढ़ा दिए। तो एवरेज पहले 40 था तो एवरेज क्या हुआ कम होगा, और 30 नंबर पड़े हैं तो 100 स्टूडेंटों में ही कम होगा। ठीक है, देखो 100 का एवरेज पहले 40 था, अब 30 बढ़ाए हो 100 में तो 100 में ही कम होगा, तो 30/100 कर दूंगा। ठीक है, 30/100 कर दूंगा तो मुझे डायरेक्ट पता चल जाएगा 10 से 10 खत्म, 3/10 मतलब 0.3। ठीक है, 0.3 40 में से अगर 0.3 घटा दूंगा, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा आंसर 10 में से 3 में 7, यहाँ बच जाएगा 9 और यहाँ बच जाएगा 3, 39.7 उसका नया औसत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है दोस्तों, किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 15 है, उस संख्या का 40% कितना होगा। जैसा बोलते जा रहा है हम वैसे करते जाएंगे, मान के चलिए वो संख्या क्या है x है, संख्या के 2/5, यहाँ का के कुछ भी लगेगा इसका मतलब क्या होता है गुणा होता है, किसी संख्या के 2/5 ठीक है, का 1/3 ठीक है, का 1/4 ठीक है, कितना है 15 है। ठीक है, इसके बाद का स्टेप आगे करेंगे, तो यहाँ x निकाल लो पहले, काटो 2 से कटेगा 4, 2 × 4 ठीक है, ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, 30 से गुणा 15 करूंगा तो 15 × 3 = 45, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 450 हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है इसका कितना, कह रहा है उस संख्या का 40% कितना होगा, तो 450 का 40% कितना होगा, 450 का 40% 450×40/100 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 ये कट जाएंगे, 45×4 45×90, 90×180 मतलब 180 उस संख्या का मान जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगर आपसे ये सवाल बनते भी होंगे तो आप करके देखना, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपसे हर सवाल नहीं बनेगा और आपसे हर सवाल बन जाएगा, जो सवाल आपसे बनते हैं तो अच्छी बात है, आप उसे मेरे साथ भी कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं, दोस्तों आयु संबंध एज रिलेशन वाला ये सवाल है, 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अरुण की आयु की दोगुनी थी, यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष है तो अरुण की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन बनता है तो सॉल्व कर लो। देखिए यहाँ पर सवाल में मुझे कुछ क्लू मिल रहा है क्या, यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष है, मान के चलो आज सचिन की आयु कितनी है, आज 30 वर्ष है, तो आने वाले 10 वर्ष बाद 40 वर्ष तभी होगी ना, मतलब मुझे यहाँ सचिन की आयु पता चल गई कि सचिन की वर्तमान आयु कितनी है 30 वर्ष है, और बोल रहा है अरुण की वर्तमान आयु कितनी है, मैं अरुण की वर्तमान आयु मान के चलता हूँ x है। अब सवाल को करना है, जो बोल रहा है 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु, 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु कितनी हो जाएगी, 30 - 10 मतलब 20 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अरुण की आयु की दुगनी थी, अरुण की आयु 10 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, x - 10 हो जाएगी। ठीक है, इसकी दुगनी थी ये, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूंगा, अरुण की आयु की दुगनी थी कह रहा है, अरुण की आयु की दुगनी थी तो अरुण के साइड में दुगा गुणा कर दूंगा, यहाँ से कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू पता चल जाएगी, 20 बराबर कितना हो जाएगा 2x - कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 इधर आके जो हो जाएगा 40 = 2x हो जाएगा, काटूंगा 2 से कट जाएगा 40 20 बार, मतलब x की वैल्यू 20 आ गई, यानी कि अरुण की वर्तमान आयु कितनी हो गई 20 वर्ष हो गई, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 6। दोस्तों लंगड़ी भिन्न का ये सवाल है, ठीक है, यदि 2 = x + 1/1 + 3 + 1/4 हो तो x की वैल्यू क्या होगी, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आपसे बनता तो आप मुझसे पहले कर लो। ठीक है, देखो जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे से उड़ाते हैं, क्या करते हैं नीचे से उड़ाते हैं। ठीक है, 3 × 1/4 को क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा 4 × 12 = 13, मतलब 13/4 इसकी जगह में हो जाएगा। ठीक है, ये 13/4 आ गया ना, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर 1 लिखा है, ठीक है, 1 ये 13/4 यहाँ नीचे है तो ऊपर जाके क्या पलट जाता है, 4/13 हो जाता है, पलटाना है आपको, ये चीज भी ध्यान रखना है। ठीक है, फिर 13 × 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17/13 हो जाएगा, मतलब इसकी पूरी की जगह भी आ गया, ये 17/13 आ गया, अब ये बच रहा है x। ठीक है, तो x धन, अब ये 17/13 ऊपर जाके 13/17 हो जाएगा, 13/17। ठीक है, बराबर क्या है, 2 इधर पहले से दिया हुआ है, 2 = x / 13/17, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर जगह कहाँ पर, यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, तो 2 = इसको गुणा करूंगा 17x हो जाएगा, धन ये हो जाएगा 13
बट ये हो जाएगा 17, ठीक है। अभी 17 को इधर ले जा लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 34 बराबर 17x + 13, ठीक है। अब 34 में से 13 का कितना बचेगा, ये हो जाएगा 4 में से 3 का 1 और 3 में से 1 का 2, 21, मतलब 21 बराबर 17x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 21/17 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। 21/17 लंगड़ी भी याद रखना, नीचे से उड़ाना है और जैसे ही हम उसको सॉल्व कर लेंगे उसको ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर देना है, ठीक, ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लघुत्तम संवर्तक और महत्तम संवर्तक, ये सवाल है। दो संख्याओं का महत्तम संवर्तक 8 है, तो कौन सी संख्या उनका लघुत्तम संवर्तक नहीं हो सकती। महत्तम संवर्तक मतलब ये होता है HCF, ठीक है, और लघुत्तम संवर्तक मतलब होता है LCM होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन से उत्तर देखना था, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना कि कोई भी संख्या को दी हुई हो, ठीक है, उनका एलसीएम जो होता है ना, हमेशा याद रखना उनके एलसीएफ से क्या होता है, पूरी पूरा विभाजित होता है, डिवाइड होता है। एलसीएम मतलब लघुत्तम संवर्तक होता है और एलसीएफ मतलब होता है महत्तम संवर्तक। अब यहाँ महत्तम संवर्तक दिया हुआ है मुझे 8, ठीक है, तो 8 से 24 डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है जी। 8 से जो 48, 8 से 48 हो रहा है, 8 से 56, 8 से 56 हो रहा है, और 8 से 60 डिवाइड हो रहा है क्या, 8 से 60 पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि 60 उनका लघुत्तम संवर्तक नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। सिर्फ इतना डिवाइड रखना, एलसीएम हमेशा एलसीएफ से क्या होता है, डिवाइड होता है पूरा पूरा। अगला सवाल देखते हैं, दोस्तों संख्या पद्धति का फॉर्मूला पर आधारित सवाल है, ठीक है। दो संख्याओं का योग 22 और उनके वर्गों का योग 40 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। मान के चलिए दो संख्या ए और बी है, तो कह रहा योग 22 है, मतलब ए प्लस बी बराबर कितना है भाई साहब, 22 है, ठीक है, और उनके वर्गों का योग 404 है, ठीक है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है, 404 है। तो कह रहा है उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, मतलब ए इंटू बी निकालना है। तो आपको पता है एक सिंपल सा फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, a प्लस बी की वैल्यू 22 है, मतलब 22 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 404 है, ठीक है, प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक। 22 का वर्गमूल कितना होता है, वर्ग कितना होता है याद नहीं होगा, बहुत गलत बात है, 484 होता है, वर्ग याद होना चाहिए, बराबर 404 प्लस 2ab, ठीक है। 484 में से 404 घटाओगे कितना बच जाएगा, अलग ही दिख रहा है, 80 बच जाएगा, बराबर 2ab हो जाएगा, ठीक है। 2 से 80 कट जाएगा 40 बार, मतलब a इंटू बी बराबर 40, संख्याओं का गुणनफल आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। कुछ नहीं, ये फार्मूला बस आपको पता होना चाहिए और आपको बन जाएगा सवाल। अगला सवाल देखते हैं और लास्ट सवाल है ये, चलिए दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का ये 10वां अंतिम सवाल है, ठीक है। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है। मान के चलो धन भाई साहब 100 रुपए है, ठीक है, ये कह रहा है इतना 5 वर्ष में दोगुना, 5 वर्ष में दोगुना हो रहा है मतलब 200 हो रहा है, ठीक है। तो ब्याज कितना आ गया यहाँ 5 वर्ष में, 100 रुपए आ गया, ठीक है। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, ये मूलधन हो जाएगा 100 गुणित दर, मुझे पता नहीं है, गुणित समय 5 दिया हुआ है, बटे 100 हो जाएगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 वाला फार्मूला लगा दिया, 100 से 100 कट गया, 5 से कट जाएगा 120 बार, मतलब यहाँ मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया कि 20% है, 20% है, यहाँ तो पता चल गया। अब दूसरी कंडीशन देखिए, अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुना होता है, मान के चलिए 100 रुपए है और 12 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, मान के चलिए दोस्तों 300 रुपए हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्याज कितना हो जाएगा, 100 का 300 मतलब कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 200 रुपये ब्याज, ठीक है, बराबर मूलधन गुणित दर, मुझे पता नहीं है, समय 12 दिया हुआ है, बटे समय 100, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये 12 जो है इधर जाएगा, तो आर बराबर 200 बटे हो जाएगा 12, ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 100/8 हो जाएगा, 100/6 हो जाएगा, फिर 50/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये इस प्रकार से फाइनली करेंगे, 50/3 मतलब ये होता है 16/2/3, तो कम ब्याज की दर किस में आ रही है, 16/2/3% में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होता, ठीक है। लाइट गोल हो गई दोस्तों, लेकिन लास्ट सवाल था, इतने से के लिए मैं लाइट का वेट नहीं कर सकता था। अगर वीडियो पसंद आया होगा, सवाल समझ में आए होंगे, तो ईमानदारी से लाइक कर देना और सपोर्ट करते रहना, मैं आपको डेली मैथ्स के 2 वीडियो देने की कोशिश करूंगा, एक टॉपिक वाइज और एक मैं आपकी डेली 10-15-20 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।